नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एडो निकेतन पर। गाइज, आज 25 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम ऑफ हो चुका है, एग्जाम खत्म हो चुका है। कैंडिडेट सब बाहर आएंगे कुछ ही देर में, आपसे मैं उनको लाइव एनालिसिस दिलवाऊंगा। क्वेश्चंस कैसा था, इजी था, मोटिवेट था, हार्ड था, हर एक क्वेश्चन के बारे में जानकारी आपको मिलेगी इस एक वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें। आपका नाम क्या है? स्वतंत्र कुमार। कितना अटेंड किया आपने? 85 मैंने अटेम्प्ट किया है। कहाँ से आए? मैं पटना से आया हूँ। कौन सा? हाजीपुर जो? हाँ, हाजीपुर। कोई क्वेश्चंस जो आपको याद हो? क्वेश्चंस तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसी से था। क्या क्या क्वेश्चन, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन याद हो आपको? एग्जैक्ट क्वेश्चन लाइट चैप्टर से चार क्वेश्चन था। लाइट से चार था? हाँ, चार था। किससे था? न्यूमेरिकल था क्या? न्यूमेरिकल नहीं था, मतलब थ्योरी बेस्ड नहीं था। हाँ, थ्योरी बेस्ड था, लेकिन थोड़ा सा उसका पूछ रहा था कि मतलब ज़्यादा बड़ा होगा या सीधा होगा, उल्टा होगा, आवर्धन क्षमता क्या होगा। किसे? मिरर से था कि लेंस से था, किसका था? मिरर से भी था और लेंस से भी था, दोनों से था। चार पांच क्वेश्चन था। अपवर्तनांक के सबसे को रिलेटेड? हाँ, अपवर्तनांक से रिलेटेड था, उसका ऑप्शन दिया हुआ था और फिर उसमें से चूज करना था कि क्या गलत है क्या सही है। मतलब ईजी था कि हार्ड था? नहीं, मॉडरेट था। मॉडरेट था? हाँ, मॉडरेट था। और आपका बायोलॉजी कैसा था? बायोलॉजी से भी क्वेश्चन आया था, बायोलॉजी से थोड़ा दे रहा था, अंदर से घुमा के क्वेश्चन दे रहा था, और फिर हाँ, और फिर क्वेश्चन बायोलॉजी का क्वेश्चन याद नहीं है। हाँ, एक था थोड़ा डीएनए से रिलेटेड क्वेश्चन था, डीएनए से रिलेटेड क्वेश्चन दो। और इलेक्ट्रिसिटी से था? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी से भी था क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन? इलेक्ट्रिसिटी से ये, हाँ नहीं नहीं, रेसिस्टिविटी मांग रहा था। हाँ, मैथ कैसा था? कैलकुलेटिव था? नहीं, मैथ ठीक था, इजी था। हाँ, ये रीजनिंग बहुत कैलकुलेटिव था, रीजनिंग हार्ड था। सीटिंग अरेंजमेंट ज़्यादा था क्या? हाँ, सीटिंग अरेंजमेंट था, दो तीन सीटिंग अरेंजमेंट था। अभी कितना था? और ये कोडिंग डिकोडिंग जो था ये बहुत ज़्यादा था। कोडिंग डिकोडिंग ज़्यादा था? हाँ, कोडिंग। इजी था कि ज़्यादा था? ज़्यादा था, मॉडरेट था। हाँ, मॉडरेट था, मॉडरेट। कैलकुलेटिव नहीं था? कोडिंग डिकोडिंग हाँ, हाँ कैलकुलेट थी, हाँ कैलकुलेटिंग था। और एडवांस मैथ कितना था? एडवांस मैथ एक ट्रिग्नोमेट्री से था। हाँ, और कुछ नहीं था? ज्योमेट्री, अलजेब्रा तो था लेकिन ज्योमेट्री से भी था। हाँ, अलजेब्रा भी आसान था ज्योमेट्री से। हाँ, मतलब मॉडरेट ही था, उतना ज़्यादा हार्ड नहीं था कुछ। और आपका करेंट अफेयर कहाँ से पूछ रहा है? करेंट अफेयर्स जो है ये 21 और 22 दोनों का मिक्स करके पूछ रहा है। एक क्वेश्चन तो 21 का पूछ लिया था, फरवरी का। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन और एक जो है पूछ लिया था कि सबसे बड़ा मूंछ वाला जो है ये महोत्सव कि कहाँ मनाया गया है। नहीं, मूंछ वाला, मूंछ वाला। हाँ, मूंछ वाला, जिसमें सबसे बड़ा मूंछ जो है दिखाना होता है। और इकोनॉमी से दो तीन क्वेश्चन था। कंप्यूटर से था? कंप्यूटर से क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन नहीं था। इकोनॉमी से क्या था क्वेश्चन? इकोनॉमी से क्वेश्चन था, जी बोलिए, क्वेश्चन क्या था? इकोनॉमी से ये क्वेश्चन था कि क्या किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है, और फिर करेंट से ही रिलेटेड जो, हाँ जो इकोनॉमी था वो करेंट से ही रिलेटेड बेस्ड था। हिस्ट्री वगैरह था? नहीं, हिस्ट्री वगैरह का उतना सवाल नहीं। ज्योग्राफी? ज्योग्राफी से था एक सवाल, बस वही उसमें भी चार ऑप्शन दिया हुआ था और फिर गलत उसमें से छांटने के लिए। इकोनॉमिक्स से था? इकोनॉमिक्स? कंप्यूटर से? नहीं, कंप्यूटर से नहीं था, और उसके बाद फिर एक इससे था, पर्व त्यौहार जो होता है त्यौहार, हाँ त्यौहार से था। और कुछ? और 2022 से भी एक दो करेंट आया था। ये क्वेश्चन आया था कि 6G का किससे, किस यूनिवर्सिटी के साथ किया हुआ है। और कुछ नहीं? और कुछ याद नहीं? और जो भी मतलब आ रहा था वो ज़्यादा करेंट से ही आ रहा था, करीब 10-12 क्वेश्चन करेंट से ही था, 10 क्वेश्चन करेंट से होगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरुण कुमार। कितना अटेंड किया आपने? हमने 65 क्वेश्चन अटेंड किया है। कौन से जोन से आप? पटना जोन से। कोई क्वेश्चंस जो आपको याद हो? क्वेश्चंस वही मैथ, रीजनिंग्स, जीके जीएस और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स क्वेश्चन तो हम लोग 4 साल पहले फॉर्म भरे थे, और 4 साल पहले फॉर्म भरे थे तो बीच में हम लोगों का जो है क्या कहते हैं ये कॉन्फिडेंस कुछ थोड़ा कम हो गया, मौका बढ़िया से तैयारी करने का जो मिला था, और जो कोरोना कारण ख़त्म हो गया था। ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन याद हैं जो मतलब ब्लड रिलेशन से है। ब्लड रिलेशन कैसा था, इजी था कि मॉडरेट? मेरे लिए तो इजी था, क्योंकि हम जानते हैं, बनाते बनाए हैं, मेरे लिए आसान था।
और इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग कैसा था? कोडिंग डिकोडिंग भी मेरे लिए लगभग सही था। कितना क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग से? कोडिंग डिकोडिंग से लगभग पाँच पाँच क्वेश्चन था जी। सीरीज से कितना था? सीरीज से लगभग तीन या चार, उससे भी सीरीज से। हाँ, आपका सीटिंग अरेंजमेंट कैसा था इस शिफ्ट में? सीटिंग अरेंजमेंट मोटा मोटी क्या बोले हैं, लगभग ठीक था। मतलब क्या लंबा लंबा लिखा था क्या क्वेश्चन? हाँ, कुछ लंबा भी था, शॉर्ट भी क्वेश्चन था कुछ। कितना क्वेश्चन था फिर भी सीटिंग अरेंजमेंट से कुछ याद है? सीटिंग अरेंजमेंट से चार लगभग। हाँ, चारों अलग अलग था कि एक एक पे डिपेंड था? नहीं, चारों अलग अलग था। मैथ्स का था? इजी था कि कैलकुलेटिव था? मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव था। मैथ कैलकुलेटिव? हाँ, डीप था मैथ जी। मतलब कौन सा चैप्टर कैलकुलेटिव था? अलजेब्रा। अलजेब्रा था? अलजेब्रा में कैसा क्वेश्चन कुछ याद है क्या? सी आई एस आई कैसा था? थोड़ा टफ था। टफ था? कैलकुलेटिव था? कैलकुलेटिव था। आपका सांख्यिकी से कोई क्वेश्चन आ रहा है? सांख्यिकी से हाँ आ रहा है क्वेश्चन। बिल्कुल। किस पे था? मीन मीडियन मोड पे था क्या? माध्यिका कुछ ऐसा? हाँ, माध्यिका बहुलक का जी, टेंथ क्लास टेंथ स्टैंडर्ड पे। ट्रिग्नोमेट्री कैसा था? ट्रिग्नोमेट्री भी ठीक था। हाँ, और आपका इधर साइंस सेक्शन कैसा था? साइंस में? साइंस ये कुछ प्रकाश परावर्तन का नियम, तरंग ऐसे पूछा गया था अवतल उत्तल लेंस से। इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन था? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी से था। ये क्या कहते हैं, बामस्त नियम इसका, न्यूटन का। इससे केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन जो आपको याद हो? केमिस्ट्री से ये क्या कहते हैं, कुछ गैस के बारे में, मीथेन न्यूटन गैस के बारे में कुछ पूछा गया था। और रिएक्शन कुछ था क्या? रिएक्शन था जिसको हम अटेंड नहीं कर पाए। और आपका इधर पीरियोडिक टेबल से कोई क्वेश्चन था लेकिन हमने उसको अटेंड नहीं कर पाया। क्या था क्वेश्चन कुछ याद? माइंड में तभी नहीं आ रहा है एट अ टाइम। बायोलॉजी कैसा था? बायोलॉजी भी मस्त रहा। बायोलॉजी का किस सेक्शन से क्वेश्चन था? प्रजनन। प्रजनन से था? प्रजनन से। और शारीरिक अभिक्रिया, ये हमारे क्वेश्चन क्या था कुछ याद? क्वेश्चन था ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। हाँ। कि कुछ ऐसे था कि जो मतलब हृदय को गति में या मिलने से रोकने में कौन सा सिरा का काम होता है, बस कुछ ऐसे था क्वेश्चन। प्लांट से कोई सा क्वेश्चन था? वनस्पति शास्त्र से? याद नहीं आ रहा है। और कोई करेंट अफेयर में किधर से था? गेम से था क्वेश्चन? हाँ, गेम से भी था, एथलेटिक्स गेम कुछ ऐसे करके था। ऑप्शन में पीटी उषा भी था। और कुछ आपको ये न्यू करेंट अफेयर से मतलब 21-22 में कौन क्या प्राप्त किया, कौन क्या जीता, उस अवार्ड से था क्वेश्चन? हाँ, अवार्ड से भी था। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन याद तो नहीं आ रहा, बट उसका कुछ पॉइंट्स याद आ रहा है। और कोई क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा है? ना, अभी तो एट ए टाइम याद नहीं आ पा रहा है। थैंक यू। क्रिकेट? क्रिकेट से नहीं, क्रिकेट से नहीं था, नहीं। खेल जगत महिला से था कुछ, एथलेटिक्स मतलब पीटी उषा और वगैरह कुछ कुछ ऐसा था ऑप्शन जिसमें कुछ। आप क्वेश्चन याद हो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूरज कुमार। कितना अटेंड किया आपने? 55 अटेंड किया। कुछ क्वेश्चन याद हो आपको? क्वेश्चन ठीक है, अभी याद आ रहा है तभी बोल दीजिए। आपको कुछ क्वेश्चन याद? क्वेश्चन तो याद नहीं है। आपका नाम क्या है? रवि कुमार जायसवाल। कितना अटेंड किया आपने? 56 अटेंड किया। कहाँ से आप? सर कोलकाता से। सर कोलकाता से, कौन सा जोन है? मुंबई जोन। मुंबई जोन है? हाँ। मुंबई जोन का। तो ऐसे भी अटेंडेंस कैसा था आज? अटेंडेंस मैंने बोले कि आज पेपर बहुत हार्ड था सर। पेपर हार्ड था सर। अटेंडेंस कैसा था? अटेंडेंस आज कैसा था? अटेंडेंस अटेंडेंस ठीक था। कितना बच्चा था, कितना परसेंट था? लगभग 40%। 40% लगभग? सिर्फ 40% बच्चा आया? बिल्कुल बिल्कुल। क्लास खाली था? हाँ, क्लास खाली था, क्योंकि ये 4 साल बाद ना एग्ज़ाम हो रहा है। तो बहुत को तो पता ही नहीं चला कि मतलब मेरा एग्ज़ाम है या कुछ ऐसे, किसी का ईमेल एड्रेस आ गया, किसी का कुछ रजिस्ट्रेशन पंजीयन संख्या जो था कितना का नंबर खो गया, तो किसी को पता ही नहीं चला। बहुत को, हमको भी पता नहीं था। मेरे मेल पे आया तो एग्ज़ाम के 2 दिन बाद हमको पता चला कि मेल खोले तो देखे कि मतलब एडमिट कार्ड आया हुआ है मधेपुरा ज़िला से। कोई क्वेश्चन आपको याद? सर एक तो क्लोरीन का क्वेश्चन आया था पीरियोडिक टेबल से। क्लोरीन का था? हाँ, क्लोरीन। क्या था क्वेश्चन? मैंने उतना याद नहीं है सर। क्लोरीन का क्या द्रव्य मांग? हाइड्रोजन का जो नाइक्रोम में क्या मैंने रिएक्शन कराने से क्या होगा, वही एक तो क्वेश्चन था, याद नहीं है सर। रिएक्शन से ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में पूछा जाए जब से एग्जाम हो रहा है। हाँ सर। और कुछ क्वेश्चन जो आपको याद हो? सर उससे याद नहीं है सर। कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन याद? करंट अफेयर्स का मैथ में क्लॉक से था, मैथ रीजनिंग में क्लॉक से था,
क्लॉक के नहीं सर. कैलेंडर था? कैलेंडर नहीं था. कैलेंडर भी नहीं था? नहीं था सर. सिलोलिज्म कैसा था? सिलोजिज्म नहीं आया था सर. नहीं आया. स्टेटमेंट कंक्लूजन कितना था? स्टेटमेंट एक 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 तो आया था सर. और कुछ याद नहीं है? नहीं याद नहीं है. कोई बात. एक और कोई क्वेश्चन आप बोले ना अभी. एक महिला दिवस था, उसमें ऑप्शन में था जनवरी, फरवरी, अगस्त, लेकिन उसमें मार्च नहीं था. हाँ, और हम लोग से ये गलत हो गया क्योंकि महिला दिवस एक नेशनल होता है, एक इंटरनेशनल होता है. तो इंटरनेशनल हम लोग को याद था 8 मार्च को होता है, लेकिन मार्च ऑप्शन में था ही नहीं. इसका करेक्ट आंसर होगा 13 फरवरी, और वो फरवरी हम नहीं मार पाए. तो एक दिवस से एक क्वेश्चन था ना. दिवस से एक महिला दिवस. महिला दिवस. और कोई? और एक क्वेश्चन था कार्बन जो है वो कितना हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, मतलब अगला कार्बन. जैसे एक मीथेन है CH4, तो मीथेन के बारे में, मीथेन के बाद अगला आता है इथेन, वो कितना कार्बन के साथ अटैच है. ये क्वेश्चन था. तो 3 कार्बन के साथ अटैच होता है. हाँ, मौसम पर्यावर्तन के काशी से आया था, मानसून से जो कि पंजाब और हरियाणा में मानसून चाहे जून से पहले, अप्रैल से पहले, मई से पहले, अगस्त से पहले, कौन सप्ताह में पहले आता है? और कोई नहीं आता. और जितना भी रीजनिंग था बहुत लंबा, उसको पढ़ेंगे फिर उसका देख का जवाब देंगे. बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है. टाइम लग रहा है. रीजनिंग कैलकुलेटिव है ना. टाइम टेकिंग है. टाइम टेकिंग. सो गाइस, इस शिफ्ट के लिए इतना ही. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर. जय हिंद. धन्यवाद.